एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ क्रोशिक से वालियाँ। अगर आपको भी कुछ जानना है तो कमेंट करें, और आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आज मैं बनाने वाली हूँ इस तरह की क्रोशिट की वालियाँ, धागे वाली, जिसके लिए हमें ये प्लेन रिंग चाहिए। ये धागा मैंने हॉबी इंडिया का लिया है। चाहे तो एंकर का भी धागा ले सकती हैं, कॉटन थ्रेड। एंकर अगर ज़्यादा पतला है तो उसे डबल फोल्ड करके आप यूज़ कर सकते हैं। क्रोशिया 1.5 mm, अगर आपका हाथ ढीला चलता है तो आप इसे कम नंबर वाला लेंगी, 1.4 mm। अगर आपका हाथ टाइट चलता है तो आप 1.6 mm का क्रोशिया लेंगी। बाली जो है मेरा 6.6 mm सेंटीमीटर है। सबसे पहले स्लिप नॉट, नॉर्मल नॉट भी आप लगा सकती हैं। इस बाली के अंदर हमें टोटल 50 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगर बाली छोटी होगी तो आप इसमें कम जो है डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर बाली छोटी है आपकी तो आप 44 इसमें डबल के हिसाब से, दो के हिसाब से आप चेन लेंगे, डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो दो हिस्से में बटे, जैसे 50, 52, 51 नहीं लेना है। तो इसके अंदर टोटल हमें 50 सिंगल क्रोशिया बनाना। ये हमारा फर्स्ट राउंड है। फिफ्टी डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा फर्स्ट राउंड जो है बन गया है। इसके अंदर से ये जो धागा जो निकलता है इसे हम काट लेंगे। इसके लिए आप सेकंड राउंड के लिए एक चेन बनाने के बाद ना इधर टर्न कर लें अपनी तरफ। अब हमें तीन चेन और बनानी है, 1, 2, 3, थ्री चेन। थ्री चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से तीन चेन और फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से तीन चेन, 1, 2, 3 चेन, फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया। थ्री चेन, फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में हमें सिंगल क्रोशिया। बस इसी तरह से हमारा जो है सेकंड राउंड, दूसरा राउंड जो है बनेगा। मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। हमारा सेकंड राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें से क्रोशिया आपको निकाल लेना है, फिर इसे टर्न करना। थर्ड रो स्टार्ट होने वाला है। ये जो लूप बनाया है मैंने तीन चेन का, उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया। अब हमें दो चेन बनाना है, 1, 2, उसी के ऊपर मैंने दो चेन बनाया और इसी लूप के अंदर हमें
तीन टाइम डबल क्रोशिया बनाना, 1 2 3 टाइम डबल क्रोशिया सेम ही स्पेस में, फिर से दो चेन और सेम ही स्पेस में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है, अटैच कर देना है। अब हमें नेक्स्ट लूप के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, चार चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देना है और सेम लूप में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से, ये बड़ा लूप, ये छोटा। अब हमें नेक्स्ट लूप में फिर से सिंगल क्रोशिया, दो चेन, 1 2 चेन और फिर से सेम लूप में हमें 3 टाइम डबल क्रोशिया, ये 1 2 एंड 3, 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से सेम ही में दो चेन लेना है, दो चेन लेने के बाद हमें सेम ही स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए कुछ ऐसा बनता जाएगा। फिर से हमें नेक्स्ट लूप के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया, चार चेन, 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन, फर्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है और सेम ही स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देना है, ऐड कर देना। फिर से हमें नेक्स्ट लूप में हमें सिंगल क्रोशिया, दो चेन, सेम स्पेस में हमें 3 टाइम डबल क्रोशिया, 3 बार, 1 2 3, 3 बार बनाने के बाद दो चेन और सेम ही स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है, जो इस तरह से आपको बनता जाएगा। मैं ये थर्ड राउंड बनाने के बाद आपको आगे बताती हूँ। ये मेरा तीसरा लास्ट राउंड है, थर्ड राउंड। देखिए मैं फिर से इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, 4 चेन, 1 2 3 4 चेन, लास्ट चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से ऐड करना है और फिर से सेम ही लूप में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देना है और फिर से नेक्स्ट लूप में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, 2 चेन, 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 2 चेन और इसी स्पेस में हमें इसे स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है, 1 चेन बनानी है, इसे अच्छे से इस तरह से अब यहाँ पे हमें धागा को काट लेना है। देखिए इस तरह से धागे को हमें सुई से नीडल की मदद से अंदर कर देना है। ये हमारा एयरिंग वाली जो है तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Thank you.